शिमला मसोवरा से कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य दीप राम ने बीजेपी पर जबरदस्ती बीजेपी ऑफिस ले जाने और चंडीगढ़ में 6 दिन तक रखने के आरोप लगाए हैं। दीप राम का कहना है कि उन्हें कुछ लोग गाड़ी में ले गए और पहले बीजेपी ऑफिस ले गए, उसके बाद चंडीगढ़ रखा गया और उन पर बीजेपी पक्ष में बीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए वोट करने के लिए दबाव बनाया गया। साथ ही उन्हें उपाध्यक्ष बनाने का प्रलोभन भी दिया गया और इसके लिए हरिद्वार में कसमें भी दिलवाई गयी। दीप राम ने कहा कि वे कांग्रेस से संबंध रखते हैं और 15 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने जिताया है, लेकिन उन्हें कुछ लोग जिन्हें वे जानते हैं वो उन्हें गाड़ी में बिठाया और उनका फोन भी ले लिया। चंडीगढ़ में 6 दिन रखा गया और 6ठे दिन बाद वापस लाया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही वोट दिया। हालांकि दीप राम ने किसी भी बीजेपी नेता को जानने से इनकार करते हुए कहा कि वे किसी भी बीजेपी के नेता को नहीं जानते हैं और स्थानीय लोग जो उन्हें बीजेपी ऑफिस ले गए। बता दें, 2 दिन पहले ही मशोबरा ब्लॉक के बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं। कांग्रेस के पास 9 बीडीसी सदस्य थे, जबकि बीजेपी के पास केवल 6 सदस्य ही थे, लेकिन बीजेपी ने एक कांग्रेस समर्थित सदस्य को अपने साथ मिला लिया और बीजेपी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 7 वोट जबकि कांग्रेस को 8 वोट पड़े। ग्राम समिति मशोबरा से बीडीसी मेंबर वार्ड नंबर 5 से। आपने जो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी से मशोबरा से पहले मैं सीधा बीजेपी ऑफिस, वहाँ से सीधे ही चंडीगढ़ ले गए। क्या यानी बोल के क्या ले गए थे आपको, और क्या यानी आप जब यहाँ से लेके गए बीजेपी ऑफिस, क्या आप बीजेपी की आपको पता था कि आप कांग्रेस समर्थित हैं और आपको बीजेपी ऑफिस ले जा रहे हैं? देखो ऐसा है, जो भी पर्सनल थे जो भाई थे कि यार मीटिंग करनी है, और हमने बीजेपी ऑफिस का नाम नहीं लिया कि हमने जाना अभी वापस आ जाना है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वापस नहीं आने दिया। कहते हैं अभी हमने चंडीगढ़ जाना, मैं कब बजा, कोई वजह होगी, मैं आधे घंटे तक बैठा भाई मैं नहीं जा सकता, भाई मेरे घर की प्रॉब्लम रहते हैं, मैं वैसे भी कांग्रेसी बंदा हूँ, मेरे को बीच में कहाँ, तो मैं कहा आप घसीट रहे हैं। तो वो जो मेरे को ले जाने की कोशिश की, बार बार बोलने के बाद भी वो मुझे गाड़ी में ले गए, गाड़ी में ले जाने के बाद चंडीगढ़ ले गए, मेरे फ़ोन ले लिए थे, मेरे क्या सारे कैंडिडेट जो और भी थे बैठे हुए उनके सबके फ़ोन ले लिए, और उनका मुझे मालूम नहीं है सर, क्योंकि इसमें लेडीज थी 2-3-4 ना जी, उनका मैं नाम नहीं जानता, और एक का नाम अरविंद था और एक कमल जी थे, 2-3 बंदे थे जिनके मैं 2 के तो नाम जानता हूँ, बाकी के नाम नहीं जानता। क्या बोला, क्या ये होगा कि देखो आप ऐसा करो कि आपको हम वो बना देते हैं उपाध्यक्ष, बाकी ये चेयरमैन बनेंगे और आप ऐसे वोट हमारी तरफ करो। मैंने बोला, मैं कहा भाई मैं कांग्रेस का बंदा हूँ और मुझे, मैं कहा मेरा फॉर्म दे दो, मेरे घर में बात करनी है, मेरे बच्चे यार, मेरी वाइफ भी है, मैं कहा उनसे मैंने बात करनी है, फ़ोन तो दे दो, उन्हें फ़ोन नहीं मिलेंगे, कहते तो ट्रेस हो रहा है। अब इस तरह की बात की सर, और बाकी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, हमारे कांग्रेस के भाई और भी यहाँ साथ थे जिनके मैं जीता हूँ, उन्होंने मुझे जिताया है, और ना मैं बीजेपी के बंदा हूँ ना मैं रहूँगा, मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, और उन्होंने जिन्होंने मेरे को जिताया, श्री राठौर साहब भी हमारे साथ है कांग्रेस के, और जीत के मैं आया था और जीत के मैं बड़ी अपना बिल्कुल फ्रेश था, और जीतने के बाद जो है मेरे साथ हुआ ऐसा कभी ना हो और किसी लोगों के साथ ना हो, और ना कोई ऐसा उठा के ले जाए, जो भी चुनाव हो हमारे, कोई भी चुनाव हो, छोटे हो चाहे बड़े हो। आप FIR अपहरण का मामला दर्ज करेंगे? आपको देखो सर ऐसा है, अपहरण का दर्जा हमारे को, FIR का दर्जा तब अगर हमारे को प्रेरित नहीं किया गया इतना, मैं बता देता हूँ आपको, ले गए हुए हमारे को बनते, हमारे को हरिद्वार भी घुमाया गया, कसमें खिलाई गई, और हमें जो है मंदिरों में भी ले गए, वहाँ कसमें खिलाई गई, वोट हमें ही करनी है। बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता था या किसी बड़े नेते से मेरी कोई बात नहीं, वो कौन लोग थे जो स्थानीय लोग थे? स्थानीय लोग थे, देखो मैं नेता था कोई बीजेपी का नेता, अब उसमें नेता नहीं मेरे को नजर आया, क्योंकि मैंने आज तक ना बीजेपी में कोई बंदे नहीं देखे, मेरी जो रियलिटी बात है, मैं बीजेपी में कभी अभी आज तक ना मेरे किसी को नहीं पता कि MLA कौन है, वो फोन क्यों भाई कहाँ ले जा रहे हैं, बस यही 4-5 दिन हो गया, फोन तो दो, हमने बात जानते थे आप उनको, किनको जो आपको लेके तो बाकी भी बंदे थे, फिर हम चलो उसको तो हम बोल नहीं बोल सकते, नहीं नहीं आपको ऐसा तो नहीं कि आपको जबरदस्ती ले गई गाड़ी में, आप बोल रहे हैं कि मैं केस नहीं, कैसे FIR से भी मना कर रहे हैं कि अपहरण का मामला, आप हमें ये क्लियर करिए, देखो सुनो जी जी ठीक है, वहां पे हमारे रानी जी बैठे थे जो उनका जी, अच्छा तो यानी उनके उनके लोगों द्वारा आपको जी जी, गया। जी, जी, जी ये बोलिए ना जी जी, 6ठे दिन वापस आए तो 6 दिन तक क्या इधर करनी है सबने, इधर उधर कहीं नहीं जाना, तो जब आप गाड़ी में तो आपने विरोध किया मेरे को, तो आप ले जा रहे हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, और आप क्यों मेरे ले जा रहे हैं,
कहते आपको कुछ नहीं होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है कुछ भी है। मैंने जो उसके बाद हमारे फोन उन्होंने ले लिए थे, फोन लेने के बाद हम बात किससे करें। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।